2019 का लोकसभा मोदी बनाम महागठबंधन होने के बाद से बेहद दिलचस्प हो गया है। विपक्ष को पता है कि वो अकेले रहकर बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उनकी रणनीति है कि किसी भी तरह से एकजुट होकर पीएम मोदी के खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जाए कि वो दोबारा सत्ता में ना आ सके। विपक्षी पार्टियां सत्ता के लालच में इस हद तक अंधी हो चुकी हैं कि वो अपने विरोधी विचारधारा के साथ भी आने को तैयार हैं। वे दल जो पहले एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, अब वो एक सुर में सुर मिला रहे हैं। 2019 के चुनाव में सोशल मीडिया भी अहम रोल प्ले करेगा, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जा रहा है, उससे आम आदमी को बेहद सजग रहना होगा। आइए आंकड़ों के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि यूपीए से बीजेपी और पीएम मोदी का कार्यकाल किस तरह से बेहतर है और क्यों पीएम मोदी को 2019 में फिर से देश की कमान संभालनी चाहिए। एक नजर यूपीए और एनडीए के कार्यकाल में हुए बदलाव पर। आपको बता दें कि यूपीए के कार्यकाल में 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम पर 10% टैक्स लगता था, जबकि एनडीए में ये टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया। रेस्टोरेंट के बिल पर टैक्स, खाने पर 13.18% टैक्स, खाने पर 5% टैक्स। पर्सनल लोन पर ब्याज दर पहले 14.25% थी, अब 9.95% ब्याज दर है। मोबाइल फोन इंटरनेट डेटा, 1 GB डेटा 269 रुपए में मिलता था, अब 19 रुपए में 1 GB डेटा मिलता है। दुर्घटना बीमा पहले 7.50 रुपए प्रति माह, अब 1 रुपए प्रति माह है। जीवन बीमा पहले 80 रुपए प्रति माह था, अब जीवन ज्योति योजना के तहत 27.50 रुपए है। औसत उपभोक्ता दर पहले 9.8% थी, अब 4.7% है। खाद्य महंगाई दर पहले 16.65% थी, अब 1.7% है। अप्रत्यक्ष कर की संख्या पहले 17 तरह के टैक्स लगा करते थे, अब सिर्फ 1 GST ही लगता है। देश की अर्थव्यवस्था पहले फर्जाइल 5 में थी, अब सबसे तेज गति से बढ़ने वाली है। स्वच्छता का दायरा यूपीए के वक्त 38.7% थी, अब ये 92% हो गया है। महिलाओं को मैटरनिटी लीव पहले 12 सप्ताह की छुट्टी मिलती थी, अब 26 हफ्ते की छुट्टी मिलती है। हार्ट स्टंट की कीमत पहले 1,98,000 रुपए थी, अब ये 29,000 तक है। नी रिप्लेसमेंट इम्प्लांट की कीमत 1,58,000 रुपए थी, अब 54,270 रुपए है। हवाई अड्डों की संख्या, यूपीए के वक्त 75 हवाई अड्डे थे, अब ये संख्या बढ़कर 100 हो गई है। ग्रामीण सड़कों के निर्माण की रफ्तार 69 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनती थी, अब 134 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनती है। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण 12 किलोमीटर प्रतिदिन, अब 27 किलोमीटर प्रतिदिन। गांव में बिजली पहले 18,452 गांवों में बिजली नहीं थी, अब सभी गांव में बिजली पहुंच चुकी है। ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी ग्राम पंचायतें पहले सिर्फ 59 थी, अब इनकी संख्या 1,19,000 है। आंकड़ों से साफ है कि किस तरह से पीएम मोदी के कार्यकाल में आर्थिक मोर्चे से लेकर तमाम विकास के कामों में तेजी आई है। यही वजह है कि आम आदमी इन आंकड़ों को जानकर ही फैसला ले और 2019 में किसे वोट देना है इसे तय करें।